तो हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ा था। आज हम एग्जांपल्स करेंगे एंड एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक के, है ना। तो एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। एंड नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। तो जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है हमारे नेचुरल नंबर में, इसलिए एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। ओके, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस ट्रू है ये स्टेटमेंट। ट्रू क्यों है, क्योंकि मान लो कोई इंटीजर m है, उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि हम उस m को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट्स व्हाई एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब बोल रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स, क्योंकि रैशनल नंबर में वो नंबर आ जाते हैं जो कि रैशनल नंबर में वो नंबर आते हैं माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी में, और उसमें क्या होता है फ्रैक्शनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, है ना, लेकिन इंटीजर में फ्रैक्शनल नंबर इंक्लूड नहीं होते। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 by 5 इज अ रैशनल नंबर बट इट्स नॉट अ इंटीजर। ओके, अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, है ना। जैसे कि मान लो एक नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन पे नंबर है 1 और 2, इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। मान लो वो है a1 a2 a3 a4 एंड a5, है ना। तो हम बहुत तरह के मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ और सेकंड मेथड भी बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो हमें 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमने उसको मान लिया a1 a2 a3 a4 एंड a5, है ना। a1 जैसे कि 1 और 2 के बीच में हम नंबर लिख सकते हैं 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5, है ना। तो देखो अगर हम a1 को सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1.1, अगर हम इसे रैशनल पार्ट में लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे और नीचे 10 आ जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 11/10। और a2 को क्या लिख सकते हैं 1.2, 1.2 को ये पॉइंट हटाएंगे डिवाइड बाय 10 मतलब 12/10, 12/10 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6/5, है ना। a3 को हम क्या लिख सकते हैं 1.3, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 13/10, है ना। ऐसे हम a4 लिख सकते हैं, a4 को हम कैसे लिख सकते हैं 1.4, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा तो 14/10 मतलब 7/5। a5 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5, है ना, 1.5 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा तो 15/10 मतलब कितना हो जाएगा ये हमारा 3/2, है ना, 3/2। तो हमने कौन कौन से नंबर लिख लिए, a1 को हमने लिख लिया 11/10, a2 को हमने लिख लिया 6/5, a3 को हमने लिख लिया 13/10, a4 को हमने लिख लिया 7/5 एंड a5 को हमने लिख लिया 3/2, है ना। ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे, है ना। सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना, हमें बस दो नंबर के बीच का एवरेज लेना है ना। तो जैसे a1 को हम क्या लिख सकते हैं 1+2 डिवाइड बाय 2, भी नंबर का एवरेज कैसे लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसका एवरेज हम कैसे लेंगे 1+2+3+4+5, और टोटल नंबर कितने हैं 5 नंबर, है ना।
इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करके हम इन 5 नंबर्स का एवरेज ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इन दोनों नंबर का भी एवरेज ले सकते हैं। 1 + 2 डिवाइड बाय 2 को हम क्या ले सकते हैं, 3/2 a1 की वैल्यू, और a2 की वैल्यू में हम 3/2 + 1 कर सकते हैं। 3/2 + 1 दो नंबर लिए और इसको फिर एवरेज लेंगे, तो उसका एवरेज लेंगे तो हमारा आ जाता है 5/4, है ना। आप इसका एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा क्या जाएगा, 5/4 आएगा। ऐसे अगर हम a3 को सॉल्व करें तो हमारा 3/2 + 2/2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/4, है ना। या फिर हम इन दोनों नंबर का भी एवरेज ले सकते हैं। a4 के लिए हम ले सकते हैं a2 + a1/2, तो मतलब 3/2 + 5/4/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो रैशनल नंबर आएगा p/q की फॉर्म में वो a4 की वैल्यू होगी, है ना। ऐसे हम a5 निकाल सकते हैं। a5 कैसे निकालेंगे, हम किन्हीं भी दो नंबर का एवरेज ले लो। पहले हमने इसको इसका एवरेज लिया था, अब हम इसको और इसका एवरेज ले सकते हैं। मतलब हम ले सकते हैं 5/4 + 7/4/2। आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, जो नंबर p/q की फॉर्म में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a5 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका सेकंड मेथड था। तो रैशनल नंबर को ना हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो मैंने ये पहले एक मेथड बताया और एक दूसरा मेथड बताया, है ना। पर हमने इसमें एक चीज नोटिस की कि आंसर जो है हमारा दोनों में सेम नहीं आ रहा है। सेम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट टाइम तक रैशनल नंबर हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 1.1, फिर दूसरे हो सकता है 1.11112, फिर तीसरा हो सकता है 1.21414142। जितना आप सोच सको उतने नंबर दो नंबर्स के बीच में आ सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। तो कोई भी मेथड से आपका आंसर गलत नहीं होगा, ओके। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो इसका आंसर क्या है, सोच के देखो। इसका आंसर है यस, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। इसका रीजन क्या है, देखो। रीजन इसका ये है कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, ऐसे ऐसे करके हम बहुत इनफाइनाइट टाइम तक लिख सकते हैं, है ना। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये 0/0 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 0/0 कोई नंबर नहीं होता, उसको हम इनफाइनाइट ले लेगा, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता। समझ में आ गया आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, है ना। अभी हमने सेम क्वेश्चन किया था 1 and 2 के लिए, अब हम 3 and 4 के लिए करेंगे। यहाँ पे है 3 एंड यहाँ पे है हमारा 4, है ना। तो फाइंड 5 रैशनल नंबर करने हैं, तो मतलब हमको a1, a2, a3, a4 एंड a5 लिख सकते हैं। एज्यूम किया हमने, तो देखो दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो बहुत इजी है, 3 और 4 के बीच में नंबर क्या सकते हैं हमारा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। तो हम यहाँ a1 को क्या लिख सकते हैं, 3.1, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो मतलब 31/10। a2 को हम ऐसे सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं, 3.2 पॉइंट रिमूव करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32/10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16/5। ऐसे अगर हम a3 को सॉल्व करें, a3 को हम कर सकते हैं 3.3, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 33/10। हम a4 को क्या लिख सकते हैं, 3.4, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, मतलब 34/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 34/10 को लिख सकते हैं हम 17/5।
है ना। ऐसे ही अगर हम 8.5 को सॉल्व करें तो 3.5 पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 10 आ जाएगा डेसिमल में और सॉरी डिनोमिनेटर में, तो 35/10 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2 है ना। तो हमने A1, A2, A3, A4 एंड A5 की वैल्यू फाइंड कर ली है ना। अगर हम जब दूसरे मेथड से क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो रैशनल नंबर आए ये रैशनल नंबर सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, है ना। तो किसी का भी आंसर गलत नहीं हो सकता कोई भी मेथड से करो। ओके अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हम A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दो नंबर्स के बीच का एवरेज 3+4/2 मतलब 7/2। फिर हम लेंगे 7/2 प्लस ये वाला नंबर 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो जो रैशनल नंबर आएगा वो A2 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हम A3 को सॉल्व करेंगे 7/2 प्लस 4/2, फिर जो रैशनल नंबर आएगा वो A3 की वैल्यू हो जाएगी। फिर जो आपका A1 और A2, A4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस A2/2, जो A1 में वैल्यू आपकी आई है और जो A2 में वैल्यू आई है उन दोनों का एवरेज लोगे तो A4 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इजी है ना। ऐसे अगर हम A5 लें तो हम ले सकते हैं A2 प्लस A3/2, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो A5 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज एग्जांपल की तरह ही है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सोचो क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? यस, क्योंकि होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 0 से, एंड नेचुरल नंबर हमारा किससे स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, है ना। तो ये होल नंबर के अंदर ही आ रहा है हमारा नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। ओके अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सोचो हमने जब क्लास में पढ़ा था पिछले क्लास में तो मैंने क्या बताया था आपको कि इंटीजर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है एक नेगेटिव इंटीजर होता है ना। और देखो होल नंबर क्या होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं, और ये क्या होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं एंड 0 से स्टार्ट होके नेगेटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि इंटीजर में ना नेगेटिव पार्ट भी इंक्लूड होता है और होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट इंक्लूड होता है। ओके अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सोचो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इसका आंसर क्या है? फॉल्स है, क्योंकि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक जाते हैं, पहली बात तो ये, और इसमें फ्रैक्शनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, है ना। लेकिन होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में सिर्फ 0 से लेकर प्लस इनफिनिटी तक नंबर जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।